हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको इसके अंदर जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखने से ही कार्य सफल होगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ये वीडियो पूरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी बैंक आदि से कुछ धन उधार लेता है, तो इस धन का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति को बैंक आदि को कुछ अतिरिक्त धन यानी एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है। तो इस अतिरिक्त धन को यानी जो एक्स्ट्रा मनी देते हैं उधार लिए हुए पैसे पर, उसी को ब्याज कहते हैं। और जिस ब्याज की गणना केवल उधार लिए गए धन पर की जाती है, तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है कि हर साल इसकी जो रेट होती है वो सेम होती है। अगर पहले साल 10% है तो अगले साल भी 10% ही रहती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी बैंक आदि से कुछ धन उधार लेता है, तो इस धन का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति को बैंक आदि को कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। तो जिस ब्याज की गणना केवल उधार लिए गए धन पर की जाती है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अगला है मूलधन यानी प्रिंसिपल। जो धन किसी बैंक आदि से उधार लिया जाए या उधार लिया जाता है, उसे मूलधन कहते हैं। यानी जो पैसा उधार लिया गया है उसे मूलधन बोलते हैं। इसे प्रिंसिपल यानी पी कहते हैं। पी माने प्रिंसिपल। और ये मिश्र धन होता है, इसे हम अमाउंट कहते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन और साधारण ब्याज के जोड़ को या योग को मिश्र धन कहते हैं। यानी आपको मिश्र धन अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल को सब सिंपल इंटरेस्ट को दोनों को जोड़ दो, यानी मूलधन को साधारण ब्याज को जोड़ दोगे तो बन जाएगा मिश्र धन। तो इतना पैसा लौटाया जाता है ब्याज को जोड़ने के साथ। समय, जितने दिनों के लिए या जितने महीने वर्षों के लिए धन उधार दिया जाता है वह समय कहलाता है, ठीक है। तो दर, जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है, उसे ब्याज की दर कहते हैं। तो जो दर होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है ज्यादातर, ठीक है। 10%, 5%, इसी को हम रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज अभी हमने पढ़ा था कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर यानी रेट पर लगाया जाता है, एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अगला यहाँ पे कुछ संकेतिक पद सिंबॉलिक टर्म, जैसे पी को कहा जाएगा मूलधन प्रिंसिपल, ऐसा ही होगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, टी होगा समय यानी टाइम, आर होगा दर यानी रेट, और ए होगा मिश्र धन यानी अमाउंट। तो यानी पी, एस आई, टी, आर और ए, इतना का काम होगा इस चैप्टर में। जनरल फॉर्मूला सीखते हैं। तो पहला है कि साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला है। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो P गुना R गुना T बटे 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बटे में 100। अगर आपको मिश्र धन निकालना है अमाउंट, तो मूलधन जमा ब्याज यानी प्रिंसिपल जमा सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का जोड़ बन जाएगा अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है। अगला है कि जो साधारण ब्याज जो होता है उसको हम कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि मूलधन का दर गुना समय करके प्रतिशत निकाल दो, ठीक है। ये भी वही चीज होता है, सेम, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ब्याज जो होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन जमा मूलधन, और यदि मिश्र धन दिया गया हो तो ए बराबर होता है पी जमा एस आई। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर हम इसकी जगह लगा दें तो पी गुना आर गुना टी बटे 100, अगर दोनों में से हम पी कॉमन ले लें तो यहाँ एक बचेगा और यहाँ आर गुना टी बटे 100। अब हमारा बच जाएगा यहाँ एलसीएम लेने पे 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 जमा आरटी बटे 100। अब यही आगे पीछे हो जाएगा कि जो बटे में 100 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ए बराबर पी गुना ब्रैकेट में 100 जमा आर गुना टी, और वही पी निकालना हो तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 100 ए बटे में 100 जमा आरटी बराबर में पी, यानी मूलधन बन जाएगा मिश्र धन गुना 100 बटे में 100 जमा समय गुना दर, ठीक है। इतना आपका फॉर्मूला जो है बना। कुछ और चीजें,
अगर हमें मूलधन निकालना है तो भी पढ़ा कि मिश्रधन गुना 100 बटे में 100 जमा दर गुना समय, पी बराबर हो जाएगा ए गुना 100 बटे में 100 जमा आरटी, और ए बराबर होता है पी जमा एसआई, और ए अगर ये जो पी प्लस का है इसके साथ इधर आएगा तो इधर आकर क्या आ जाएगा ए माइनस पी, यानी ए माइनस पी, और एसआई का फॉर्मूला ले लेंगे पी गुना आर गुना टी बटे 100। अब इस 100 अगर हम इधर गुना कर दें और ये पी आर बटे में ले आए तो समय का फॉर्मूला ये भी बन जाता है। ठीक है, आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपको इससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, इससे आप चुटकियों में सवाल कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स के टिप्स हैं, जैसे कि किसी समय के लिए साधारण ब्याज की गणना केवल मूलधन को ही आधार मानकर की जाती है। कभी भी आप साधारण ब्याज की गणना करते हैं तो मूलधन को ही आपको आधार मानना है, जो कि आगे के कई सारे जब हम सवाल करेंगे उसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, यदि ब्याज के संदर्भ में प्रश्न में कोई लेख ना हो, तो गणना साधारण ब्याज पर ही की जाती है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बच्चों को बहुत ही परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि प्रश्न में बताया नहीं होता कि ये ब्याज साधारण है या चक्रवृद्धि है। तो अभी के लिए हम मानेंगे कि जिस क्वेश्चन में अगर हमें ब्याज के बारे में नहीं बताया जाएगा हम वहां साधारण ब्याज लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें एक पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, यानी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 500 रुपए का, तो 500 रुपए प्रिंसिपल हो जाएगा, 4% वार्षिक, 4% वार्षिक हो जाएगा रेट यानी आर, और इसकी दर से 2 वर्ष यानी 2 वर्ष हो जाएगा टाइम, और बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी 500 रुपए पे 4% 2 वर्ष बटे में 100, अभी आपका कट जाएगा 2 0 2 0, 5 20 40, यानी 40 रुपए आपका ब्याज बन जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ सामान्य सूत्र पे आधारित प्रश्न करेंगे। इन प्रश्न को करने से पहले अब आज हम जो भी फॉर्मूले सीखे हैं उस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लेंगे। वो फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप कम से कम फॉर्मूले को अपने किसी कागज पे लिखिए, उसको अपने जेब में या कहीं आसपास जहां आप उठते बैठते हो वहां पे आप उसको चिपका दीजिए। उससे क्या है कि आपकी नजर अगर बार बार पड़ती है तो आपको जो ये चैप्टर है ये इजी लगने लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। फॉर्मूले याद करके ही चैप्टर पे सफलता पाई जा सकती है, और बाकी कुछ और टिप्स होते हैं उनसे भी। ठीक है, तो आप फॉर्मूले को जो बहुत हार्ड लगते हो तो उनको कम से कम अच्छे से याद करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन, 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। ये तो बहुत सिंपल है, 600 रुपए का यानी ये पी हो जाएगा 600 रुपए, 5% वार्षिक ब्याज यानी रेट हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष, तो समय हो जाएगा 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। ठीक है, अच्छा ये जो बीच में आर होता है ये बिना प्रतिशत के निशान के लिए जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रतिशत की जगह बटे में 100 लगा चुके हैं। ठीक है, तो पी का मान हो जाएगा 600 गुना आर, आर का मान हो जाएगा 5 गुना 4 बटे में 100। यहाँ पे प्रतिशत का निशान नहीं लेना है क्योंकि उसको हटा के ही बटे में 100 आ चुका है। ठीक है, प्रतिशत हटाने पे बटे में 100 आता है यानी भाग में 100 आता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 5 30 गुना 4 34 हो जाएगा 120 रुपए, तो यानी साधारण ब्याज बन जाएगा 120 रुपए। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता मिश्रधन बताओ, तो मिश्रधन यानी ए निकालने के लिए हम पी में ऐसा ही जोड़ देते। ठीक है, यानी 600 रुपए में 120 रुपए ब्याज जोड़ देते तो 720 रुपए आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अगला है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 410 रुपए होगा। प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और प्रश्न में पढ़कर जो जो चीजें दी गई हैं उसकी डिटेल पता कर लेनी चाहिए। तो इसमें आपको प्रश्न पढ़ने पर चलेगा कि ब्याज की दर पूछा है और 400 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी तुम्हें पी दिया हुआ है 400 रुपए, समय भी दिया हुआ है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट भी आपको 140 दिया है। तो इसमें 4 चीजों का संबंध है, एस आई पी आर और टी। तो अगर हम 4 में से देखें तो हमें 3 चीजें पता है, 1 नहीं पता है, तो बस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकल जाएगा पी गुना आर गुना टी बटे में 100। तो
तो सिंपल इंटरेस्ट 140 ले लेंगे, पी हमें पता है 400, रेट हमें निकालना है, समय 5 साल और बटे में 100, तो ये 2020 कट जाएगा, तो ये जाएगा 140 बराबर 4 × 20, तो 20 गुना आर, अभी 20 से कट जाएगा 7, तो नहीं रेट हो जाएगा 7%। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, किसी धन का 8% वार्षिक दर, किसी धन का यानी धन निकालना है, रेट दिया है 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 6 महीने का सरल ब्याज, यानी साधारण ब्याज ही होता है, सरल ब्याज 170 रुपए होगा। तो यहाँ पे जो समय दिया है ना, वो 2 वर्ष 6 महीना दिया है, तो 2 वर्ष 6 महीना 2.5 साल होता है, 2.5 साल को 1 से 1/2 वर्ष लिखते हैं, और मिश्रित ध्वनि खोलेंगे, 2×2=4 = 5/2 वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे महीने में समय दिया रहता है, तो उसको आप ध्यान से वर्ष में बदलें, सब फॉर्मूला वर्ष के लिए था। और अब हमें क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, पी गुना आर गुना टी बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट 170 रुपए, पी हमें निकालना है, आर हो जाएगा 8, समय हो जाएगा 5/2, तो जो बटे में 2 है नीचे 100 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 2 से काट सकते हैं इसको, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 8। अब क्या करेंगे, अब बस सोल्व कर देंगे, ये जो 100 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 170 × 100 बराबर ये 4×5=20 हो जाएगा, तो पी गुना 20 से कट जाएगा, 5 × 20 = 100, अब ये 5 गुना हो जाएगा, तो यानी 850 रुपए। ठीक है, तो पी हो जाएगा 850 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी समय में 1600 रुपए का, किसी कितने समय में 1600 रुपए का 12.5% वार्षिक दर से सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। तो इसमें अब समय पूछ लिया है, पी आपको दिया है 1600 रुपए, रेट दिया है आपको 12.5% और सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी गुना आर गुना टी बटे 100, तो सिंपल इंटरेस्ट ले लेंगे 500 बराबर पी यानी 1600 गुना आर यानी 12.5, ये पहले हम पॉइंट हटा देंगे, तो बटे में 10 आ जाएगा और एक नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और समय आपको निकालना है टी। ठीक है, तो बस अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 में 10 गुना हो जाएगा, और यहाँ 16 × 125 बचेगा, 16 × 125 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4×40 बराबर 16 × t, 16 × 40 के बटे में आ जाएगा, ये 8 के पार्ट कट जाएगा, 8×40 8×2=16, ये कट जाएगा 2.5 वर्ष। ठीक है, तो पर्सन उत्तर हो जाएगा 2.5 वर्ष। ठीक है, यानी 2 साल 6 महीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट पूछा है 600 रुपए का, यानी पी हो गया 600 रुपए का, समय हो गया 5 वर्ष में, और मिश्र धन यानी एक बार, इस बार अमाउंट दिया आपको 660 हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि ए बराबर पी जमा SI होता है, तो हम ए लिख लेंगे 660, ये हो जाएगा 600 जमा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 600 इधर घट जाएगा, तो 600 इधर घट जाएगा, 660 में से 600 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा, 60 रुपए आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या ले लेंगे, पी गुना आर गुना टी बटे में 100, तो पी कितना हो जाएगा, तो पी हो जाएगा 600 रुपया, दर हो जाएगा निकालना है, और समय 5/100 और ऐसा ही आया था 60, 100 से 100 कट जाएगा, 6×5=30, तो 60 बराबर 30 गुना में आर, ये कट जाएगा, तो रेट हो जाएगा 2%। ठीक है, तो ये रेट जो होता है हमेशा परसेंट में होता है, अब ये भी याद रखेंगे। ठीक है, छठा प्रश्न है हमारे पास, 19,540 रुपए का 12% वार्षिक दर से 5 फरवरी 1996 से 18 अप्रैल 1996 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर हम पढ़े तो हमें पी तो मिल जाता है 19,540, रेट भी मिल जाता है 12%, लेकिन यह टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि टाइम ना बड़ा अजीब से दिया हुआ है, अब इस टाइम को निकाला कैसे जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो समय है वो कहाँ से शुरू है, तो 5 फरवरी 1996। ठीक है, और कहाँ पे खत्म है, 18 अप्रैल
18 अप्रैल 1996। पहले ना ये पूरे फरवरी का महीना देखेंगे, अब ये लीप वर्ष है, ये 4 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पे होंगे कितने दिन, 29 दिन। 29 दिन में से ये 5 घट जाएगा, तो यानी ये जो पूरा फरवरी का महीना है जो कि 5 फरवरी से शुरू होगा और 29 फरवरी को ख़त्म होगा, तो 29 फरवरी तक इसका हो जाएगा 24 दिन, ठीक है। फिर अगला महीना आएगा फरवरी के बाद मार्च, यानी 1 मार्च 1996 से, अब ये मार्च का महीना होता है 31 दिन का, तो 31 मार्च तक हो जाएगा 31 दिन, ठीक है। फिर अगला आएगा अप्रैल का, यानी 1 अप्रैल 1996 से अब 18 अप्रैल 1996 तक, 18 अप्रैल 1996 तक कितना दिन हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका जुड़ने पर 73 दिन, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 73 दिन, तो 73 दिन हो गया ना, तो अब आपको क्या निकालना है कि कुल समय, तो जो समय देखोगे तो 73 दिन में, और बटे में हम इसको 365 से भाग कर देंगे ताकि ये वर्ष में आ जाए, ठीक है। तो यानी ये इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है, दिन से दिन कट गया, वर्ष बन गया। और उसके बाद हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला P×R×T/100, तो P का मान कितना आ जाएगा, 19,540, दर था 12%, समय 73/365 और गुना 100, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे 73 से 5 बार में कट जाएगा, फिर हम 10 से ये 10 काट देंगे, फिर हम गुना कर देंगे 1954 × 12 और बटे में हो जाएगा 10×50। इसको हम पूरा सोल्व कर देंगे, तो पहले हम काटते हैं इसे 2 के पहाड़े से, चलो हम पहले गुना ही कर लेते हैं, 1954 को 12 से गुना कर लेते हैं, 2 × 4 8, 2×5 10 = 0, यहाँ से ले 2×18 1 19 = 9, यहाँ से ले 2×1 = 2 और 1 = 3, गुना 4×5 = 9 1 8×4 = 4 3×2, तो जाएगा 23,448/50। अब ये 50 के पहाड़े से इसे हम आराम से भाग कर पाएंगे, 50 × 200 इसे घटाएंगे, फिर 50 × 300 इसे घटाएंगे, फिर 50×8 = 400 इसे घटाएंगे, 48 आ जाएगा, यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर 50×450, फिर 50×300, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 468.96 रुपए, ठीक है, इतना आपका मूलधन आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। पर्सन में साधारण ब्याज पूछा था, ठीक है।